हम आतंकियों को घर में घुस करके मारेंगे। और ये हमने डंके की चोट पर कह दिया है और करके भी दिखाया है। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने वाले कल्चर को हमने बदल दिया है। इतना ही नहीं साथियों, याद करिए जब लोकसभा चुनाव के दौरान आईपीएल के मैच कराने से कांग्रेस की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, याद है 2009 में 2014 में। ये हमारे सुरक्षा बलों पर, हमारी एजेंसियों के सामर्थ्य पर ये कांग्रेस का अविश्वास था। अब आज की परिस्थिति देखिए, कुछ दिन पहले ही नवरात्रि बीती, शक्ति की पूजा चारों तरफ हो रही थी, धामधूम से देश ने रामनवमी मनाई, बढ़ चढ़ करके लोगों ने हनुमान जयंती मनाई। अब 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस का समारोह होंगे, पवित्र रमजान की तैयारियां चल रही हैं, और इन सबके बीच लोकसभा का चुनाव भी चल रहा है और आन बान शान के साथ आईपीएल भी चल रहा है। जरा कोई पूछो तो, पुलिस तो वही है भाई, ये मोदी में क्या दम है कि सब कुछ आराम से चल रहा है और तुम क्या करते थे? नहीं, चुनाव है, पुलिस काम में है, आईपीएल खेलेंगे, कुछ हो जाएगा तो जाओ अफ्रीका जाके खेलो। और फिर हमको पूछते मोदी तुमने क्या किया, आपको क्या लगता है भाई? साथियों, देश ऐसे ही तो चलता है। आज हमें खुद पर विश्वास है कि अगर आतंकियों ने कोई हरकत की तो उसे पाताल में भी खोज करके मारेंगे। भाई और बहनों, इस परिवर्तन को हमें स्थायी बनाना है, परमानेंट बनाना है। और मुझे बताइए, ये जितने लोग कतार में खड़े हैं आजकल प्रधानमंत्री बनने के लिए, जो लोग मन में बैठ सोचे हैं थोड़ा इधर हो जाए तो मिल बैठ जाएगा, दर्जी को बुला बुला करके कपड़े बनवा रहे हैं, कोई 8 सीट लड़ रहा है कर्नाटका में, एक पार्टी 8 सीट लड़ रही है और वो कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार सबसे श्रेष्ठ है। कोई 20 सीट लड़ रहे हैं, बोले हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कोई 40 सीट लड़ रहा है, बोले हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्रधानमंत्री पद की कतार में चेहरे दिखते हैं, आप मुझे बताइए इसमें से कौन है जो आतंकवाद को खत्म कर सकता है? आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है तो फिर इंतजार किस बात का? इसके लिए आपको महायुति एनडीए के पक्ष में अपना वोट डालना होगा। आपका हर वोट चौकीदार को मजबूत करेगा। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं देश मजबूत हो? आप चाहते हो हमारा देश और मजबूत हो? सबके सब चाहते हैं। मजबूत देश बनाने के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए,
मजबूत सरकार चलाने के लिए चौकीदार भी तो मजबूत होना चाहिए, और चौकीदार मजबूत बनाने के लिए आइए हम एक संकल्प लेते हैं। दोनों हाथ खड़ा कर करके मैं आपसे एक संकल्प करवाता हूं। आपको बोलना है चौकीदार, क्या बोलना है, क्या बोलना है, मेरे साथ बोलेंगे, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने, घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।